वो बर्ड्स बाहर के एक्सटर्नल हीट को टॉलरेट नहीं कर पाते, इसकी वजह से होता है। तो हीट स्ट्रेस में यूजुअली क्या होता है, हीट स्ट्रेस पहले कैसे होता है मैं बताती हूँ, अगर किसी को पता नहीं है तो। बर्ड्स का जो बॉडी टेम्परेचर रहता है ना वो 107 फ़ारेनहाइट रहता है। अगर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया तो बर्ड में तो स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, वो स्वेट करके खुद का टेम्परेचर कूल डाउन नहीं कर सकते। तो उनके पास दो ही है, आइदर बहुत सारा पानी पी के ये करो, एक्सक्रीट करो पानी तो हीट बाहर निकलेगा, या फिर हम जैसे बोलते हैं तो मुंह से भाप निकलती है ना, वैसे इवेपोरेशन से हीट बाहर निकालो, बॉडी का जो कोर हीट है वो। और तीसरा है कि हम खाते हैं, तो खाते हैं तो डाइजेस्टन में भी हम हीट बनाते हैं, तो बर्ड्स खाना छोड़ देते हैं वो इंटरनल हीट कम करने के लिए। तो ये तीन मैकेनिज्म से बर्ड खुद के बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। एक है पानी ज्यादा पीते हैं और पानी एक्सक्रीट करते हैं, पानी ज्यादा पी के एयर एक्सक्रीट करते हैं मुंह से, जिसको फ्लटरिंग बोलते हैं। आप ऐसे मुंह खोल के जैसे डॉग करता है ना पैंटिंग करता है, वैसे बर्ड्स भी करते हैं, उसको फ्लटरिंग, गलार फ्लटरिंग बोलते हैं। तो वैसे बर्ड्स करके ये क्या बोलते हैं, मुंह में से जो भाप है वो एक्सक्रीट करके हीट एक्सचेंज करते हैं एनवायरमेंट से। और तीसरा फिर खाना बंद कर देते हैं। खाना बंद करने से क्या होता है कि वो खाना पचाने में जो हीट बनती है पेट में वो बंद हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या करता है, जो पैंटिंग है ना, पैंटिंग करते हैं उसके लिए एनर्जी लगती है। अभी बर्ड्स खा नहीं रहा है लेकिन बहुत जोर से पैंट कर रहा है, तो वो बॉडी में क्या करता है, बॉडी का एनर्जी यूज कर लेता है, जो स्टोर्ड एनर्जी है बॉडी में ग्लाइकोजन के इसमें। ये तो अभी साइंटिफिक पूरा हो गया, तो वो एनर्जी बॉडी में ऑलरेडी जो स्टोर्ड एनर्जी है वो यूज कर लेता है, और खाना नहीं खा रहा है, पानी भी थोड़ा थोड़ा पी रहा है, ज्यादा पानी पीते हैं बर्ड्स, 5 to 10 times एक्स्ट्रा पानी पीते हैं ये इसमें। तो अगर आपने पानी में उनको कुछ मेडिसिन नहीं दिया, इलेक्ट्रोलाइट नहीं दिए, एनर्जी सोर्स नहीं दिया, विटामिन नहीं दिए, नहीं कुछ भी नहीं दिया, ग्लूकोज वगैरह पानी में यूजुअली ट्रीटमेंट में रहता है इसके हीट स्ट्रेस के, कुछ भी नहीं दिया, तो उनको जो फ्लटरिंग के लिए, जो भाप बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वही नहीं मिलती, फिर बर्ड्स वीक हो जाते हैं, वो हीट एक्सचेंज कर नहीं पाते और बर्ड्स की डेथ हो जाती है। तो ये होता है हीट स्ट्रेस में, ऐसे बर्ड्स मरते हैं इस वजह से। तो जो यूजुअली हीट स्ट्रेस में मॉर्टेलिटी रहती है आपको शाम के टाइम पे दिखेगी, मतलब आफ्टर 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock बर्ड्स मरना चालू हो जाते हैं। अच्छा, 7 बजे पर्यंत, 6 o'clock, 7 o'clock तक जो जितना फ्लॉक स्ट्रेस में है उतना मरता है। ये ज्यादातर ब्रॉयलर में ज्यादा दिखता है, देसी बर्ड्स कोप कर पाते हैं क्योंकि वो इसी एनवायरमेंट में बड़े हुए हैं, एवोल्यूशन उनका इसी एनवायरमेंट में होता है। तो जो ब्रॉयलर बर्ड्स है वो नहीं कर पाते इससे। तो इसमें ट्रीटमेंट यही है कि आप पानी में इलेक्ट्रोलाइट दो, पानी में ग्लूकोज के साथ जो मेडिसिन आता है वो दो, तो ये ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ये आता है जो हम लोग यूज करते हैं वो दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं, लेकिन हमारा थोड़ा कॉस्टली आता है। ग्लूकोन डी भी दे सकते हो, ग्लूकोन डी मध्ये पण इलेक्ट्रोलाइट है। स्पेशल इलेक्ट्रोलाइट करके पाउच आते ना ऑरेंज कलर, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। जो माल है वो यहाँ पे है क्या, इलेक्ट्रोलाइट उसमें पाउचेस ही रहेंगे? नहीं, पाउचेस में सब एंटीबायोटिक ही है, एंटीकॉक्सिडल और एंटीबायोटिक ही है। ये भी डॉक्सीसाइक्लिन, इलेक्ट्रोलाइट नहीं है उसमें, सोल्यूलाइट करके आता है, इलेक्ट्रोलाइट आता है, यहाँ पे नहीं है। वो तो आसानी से मिल जाएगा कोई भी कंपनी का इलेक्ट्रोलाइट, बहुत सारी कंपनी का आता है इलेक्ट्रोलाइट।
मैडम इसको कंट्रोल कैसे कर लें हीट स्ट्रेस को? मैनेजमेंट में बताया होगा ना मैडम ने हीट स्ट्रेस, एसी शेड, नहीं तो फिर कैसे रहता है कि अगर खाने से हीट बढ़ता है ना, तो जिस दिन आपको पता है कि मतलब अभी गर्मी चल रही है, टेम्परेचर ज्यादा है, उस दिन मॉर्निंग में फीडिंग ही नहीं करना है, नाइट फीडिंग करना है ब्रॉयलर अगर शेड हो तो. और लेयर? लेयर में फीडिंग करना पड़ेगा और सप्लीमेंटल कैल्शियम देना पड़ेगा. ये कैल्गोफोसेक आता है, ये सोल्योकैल आता है. हाँ, आप शेड वाला कर सकते हो. मैं अभी खाने पीने का सब बता रही हूँ. शेड में तो आपको करना है, फॉगर्स लगाना है, एग्जॉस्ट फैन लगाना है, ताकि वेंटिलेशन बना रहे. और एसी शेड किया तो? एसी शेड किया तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, टेम्परेचर अपने आप मेंटेन होगा ना. नहीं तो शेड में फॉगर्स लगाना है, एग्जॉस्ट फैन लगाना है, वेंटिलेशन रखना है. ब्रॉयलर में या फिर जो कटिंग के लिए बर्ड्स बना रहे हैं, मॉर्निंग में फीडिंग नहीं करना है, 10 to 3 o'clock फीडिंग ही नहीं करना है, 3 o'clock के बाद फीड देना है, ताकि वो हीट ही नहीं जनरेट हो बॉडी में. और फिर पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स, पानी में एनर्जी उनको देना है, ग्लूकोज वगैरह आता है कभी, यहाँ पे नहीं है वो इलेक्ट्रोलाइट का पैकेट, सोलोलाइट करके आता है, वो देना है पानी में. तो ये हो गया हीट स्ट्रेस को कैसे करना है. अभी हीट स्ट्रेस से बर्ड्स मरा है वो भी पता चलता है पोस्टमार्टम पे. अगर बर्ड अपने पोस्टमार्टम पे खोला तो मैंने जैसे बताया इन्फ्लुएंजा में सब रेड रेड दिखता है मसल में, हीट स्ट्रेस में सब पूरा व्हाइट दिखता है. जो मसल का पिंक कलर है ना वो भी नहीं दिखता, हार्ट मतलब जो ब्रेस्ट मसल रहता है ना उसमें पूरे व्हाइट व्हाइट स्ट्रिक्स रहते हैं, क्योंकि क्या रहता है वो हीट स्ट्रेस में ना, वो वाले मसल में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन रहे, स्टोर्ड प्रोटीन है, वो यूज कर लेते हैं, इसलिए वो पूरा व्हाइट व्हाइट हो जाता है. तो ये हीट स्ट्रेस की वजह से अगर मॉर्टिलिटी हुई तो पीएम में ऐसा दिखता है. तो ये हो गया हीट स्ट्रेस. बाकी जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस है वो मेनली डेफिशिएंसी की वजह से, मतलब खाने में ये विटामिन कम हो गया, वो मिनरल कम हो गया, ये कम हो गया, वो कम हो गया, तो उसी वजह से. तो मेजर तो है कैल्शियम फॉस्फरस. अगर कैल्शियम फॉस्फरस कम हो गया तो अगर लेयर फॉर्म है तो इमीडिएटली अंडे पे इफेक्ट दिखता है. अगर बर्ड्स लेम हो जाते हैं, एक तो एक प्रोडक्शन कम हो जाता है, दूसरा अडल्ट बर्ड्स लेम होते हैं, वो उठ नहीं पाते पिंजरे में या फिर शेड में बैठे रहते हैं एक ही जगह पे, तो उसकी वो है वो कैल्शियम की कमी की वजह से. फिर कैल्शियम सप्लीमेंट आपको पानी में देना है उन बर्ड्स को. तो ये यूजुअली क्या है, ये पीक प्रोडक्शन के टाइम पे रहता है. मैंने जैसे बोला लेयर बर्ड्स का या फिर ब्रीडर बर्ड्स का पीक प्रोडक्शन रहता है आफ्टर 26 to 45 weeks तक. ये जो 20 हफ्ते है ये उनका पीक प्रोडक्शन का टाइम रहता है. ये प्रोडक्शन के टाइम पे कैल्शियम ड्रेनेज ज्यादा रहता है बर्ड्स पे, तो उनके पैर जैसे मैडम ने बताया क्या कि उनके पैर में स्टोर्ड होता है कैल्शियम डिस्टल बोन्स में. तो अगर वो बोन्स से कैल्शियम अंडा बनाने के लिए कैल्शियम उन्होंने ड्रेन कर लिया तो फिर से वो उतना फिलअप नहीं हुआ. अगर खाने में कम ही है या फिर बर्ड्स किसी बीमारी की वजह से कम खा रहा हो, खुद ही खाने में आपने अच्छा कैल्शियम दिया लेकिन बर्ड ही कम खा रहा हो, तो उसकी वजह से फिर वो कैल्शियम रिस्टोर नहीं होता फिर से पैर में, तो बर्ड पैरालाइज हो जाता है. उसने केज लेयर फटीक बोलते हैं, लेयर फटीक वो डिसीज को, जिसमें बर्ड्स उठ नहीं पाते और एग प्रोडक्शन कम हो जाता है. ये हो गया कैल्शियम की कमी की वजह से. अगर चिक्स में कैल्शियम कम है तो उसे भी वही, अगर जो उनका ग्रोइंग स्टेज रहता है उसमें लूले लंगड़े ज्यादा मिलते हैं, इसे स्प्लेड लेग रहते हैं या फिर स्पाइन में डिफॉर्मिटीज रहती है. अपने चिक के ऐसे गर्दन के ऊपर से हाथ घुमाया तो ऐसे स्पाइन पोकी पोकी स्पाइन फील होता है, ठीक से फॉर्म नहीं होता उनका स्केलेटन अगर चिक स्टेज में उनके खाने में कैल्शियम की कमी हो तो, कैल्शियम फॉस्फोरस. ये हो गया कैल्शियम. फिर मिनरल्स में बाकी के मिनरल्स से इतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि जो मिनरल हम मिनरल सप्लीमेंट में भी देते हैं और ग्रेन से भी उनको मिलता है, तो माइनर मिनरल कम हो गए तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता. यूजुअली जो कॉपर रहता है, जिंक रहता है या फिर आयरन रहता है, इसकी कमी की वजह से अनीमिया होता है, जो ह्यूमंस में भी होता है. अगर ये जो रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए ये सब मिनरल्स लगते हैं, कॉपर और आयरन, ये सब, तो ये तो माइक्रो मिनरल्स है. तो नेक्स्ट है विटामिन. विटामिन में अगर विटामिन ए अगर डेफिशिएंसी है तो उसमें छाले पड़ जाते हैं मुंह में, बर्ड्स के मुंह में, इसेफेगस में, तो उसको न्यूट्रिशनल राउप करके बोलते हैं. ये होता है विटामिन ए की कमी की वजह से. विटामिन डी की कमी हो गई तो विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, तो विटामिन डी की कमी के सिम्टम्स सिमिलर टू कैल्शियम कमी की वजह से जो सिम्टम्स रहते हैं सिमिलर है उससे.
फिर आता है विटामिन ई. विटामिन ई हेल्प करता है बर्ड्स की इम्यूनिटी में. तो अगर विटामिन ई में डेफिशिएंसी है तो बर्ड्स में इम्यूनिटी का प्रॉब्लम आता है. फिर आ गया विटामिन के. विटामिन के अगर डेफिशिएंसी है बर्ड्स में तो ब्लड क्लॉट नहीं होता ठीक से. ये तो सारे मतलब सारे एनिमल्स में सेम ही विटामिन के सिम्टम्स है. ब्लड क्लॉटिंग इम्पोर्टेंट, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए इम्पोर्टेंट है. फिर जो बी ग्रुप में विटामिन है वो स्टार्टिंग के थायामिन राइबोफ्लेविन, ये अगर विटामिन डेफिशिएंसी है तो पैरालाइज बर्ड पैरालाइज हो जाते हैं. वो नर्वस सिस्टम तक ये जो हम ग्लूकोज वगैरह बनाते हैं तैयार होता है वो पहुंचने में मदद करता है, उसके मेटाबॉलिज्म में मदद करता है. तो अगर वो नहीं, वो दो तीन विटामिन में कमी हो गए तो वो वाले सिम्टम्स दिखते हैं ऐसा. फिर बायोटिन है, विटामिन बायोटिन नियासिन कल मैडम ने बताया होगा. ये जो विटामिन है इसकी अगर कोलिन इसकी अगर कमी हो गई तो फैटी लीवर का डिसीज दिखता है. फैटी लीवर मतलब ये जो कोलिन विटामिन है ये लीवर में जो फैट अगर बॉडी खाने से फैट अब्सॉर्ब होने के बाद वो प्रोसेसिंग के लिए लीवर में जाता है. कुछ भी आप इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब होता है ना बॉडी में वो प्रोसेसिंग के लिए लीवर में जाता है. तो लीवर से फैट को बॉडी में जहां जहां चाहिए वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कोलिन करता है. अगर कोलिन विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई तो वो फैट लीवर में ही रह जाता है. तो इसके लिए फैटी लीवर सिंड्रोम होता है अगर कोलिन डेफिशिएंसी हुई. बायोटिन भी वही काम करता है, उसमें हेल्प करता है. तो कोलिन और बायोटिन के डेफिशिएंसी की वजह से लीवर अफेक्ट होती है. तो ऐसे हर एक अमीनो एसिड होगा नहीं, कोलिन विटामिन है, अमीनो एसिड नहीं है. तो ये सब हो गए विटामिन के लिए. तो डेफिशिएंसी डिसीज में इतने ही मेन इंपॉर्टेंट है, एक तो कोलिन डेफिशिएंसी, विटामिन ए डेफिशिएंसी, डी डेफिशिएंसी, के एंड राइबोफ्लेविन थायामिन, ये मोस्टली दिखाई देती है. तो अगर जो जो विटामिन की कमी के सिम्टम्स आपको दिखे वो विटामिन का सप्लीमेंट देना है, पानी में खाने में डोज बढ़ा के देना है, यही उसका ट्रीटमेंट है और कुछ नहीं. फिर उसके बाद अभी बायोसिक्योरिटी, मतलब डिसीज ना हो इसको मेंटेन कैसे करना है. तो सबसे पहले पोल्ट्री में एक रूल है कि ऑल इन ऑल आउट ये यूज करना है सिस्टम. ऑल इन ऑल आउट का मतलब क्या होता है कि एक बार फार्म पर एक शेड में अपने बर्ड्स को लाया तो जब तक वो बर्ड्स वो शेड से जाते नहीं है वो शेड में दूसरा कोई बर्ड्स डालना नहीं है. मतलब एक ही शेड में दो एज ग्रुप के बर्ड्स नहीं रखने, दैट इज ऑल इन ऑल आउट सिस्टम. तो फिर वो जाने के बाद मैडम ने पूरा सेकंड डे पे प्रोसीजर समझाया होगा कि क्लीनिंग कैसे करना है. सारे बर्तन वगैरह सब धोना है, मेडिसिन से धोना है, गर्म पानी में धोना है, पूरा शेड में सब लीटर उठाना है. उठाने के बाद जाली वगैरह रहता है वो भी क्लीन. फर्स्ट 2 ml का डोज रहता है, सबकट इंजेक्शन देता है. सेकेंड वो पांचवे या फिर 5 to 7 days में देते हैं. फिफ्थ डे और सेवन, फिफ्थ टू सेवन डेज में. हाँ कुछ नहीं है, अच्छा जॉर्जिया ते स्ट्रेन से नावे वैक्सीन चा जॉर्जिया है ते. सेकेंड आहे 5 to 7 days पे हे करतो आपण. न्यू कॅसल डिसीज लासोटा, लासोटा दे सकते हो या फिर B1 भी दे सकते हो या फिर F1 भी एक मिलता है 5 to 7 days. ऑन 5 to 7 days पे लासोटा सॉरी रानीखेत डिसीज, तीन टाइप के स्ट्रेन आते हैं, तीनों में से जो अवेलेबल है वो दे सकते हो. B1 आता है, F1 आता है या फिर लासोटा आता है. ये आई में दे सकते हैं. हाँ ए 1 drop देते हैं, आई ड्रॉप देते हैं या फिर नेजल ड्रॉप देते हैं. नाक में ले सकते, नेजल ड्रॉप दे सकते हैं या फिर आई ड्रॉप दे सकते. फिर 14 days पे 14th day ऑन 14 days IBD इन्फेक्शियस बर्सल डिसीज है. डिसीज से नाव है गंबोरो स्ट्रेन है. गंबोरो स्ट्रेन रहता है, इंटरमीडिएट स्ट्रेन रहता है, इंटरमीडिएट लाइव ऐसा स्ट्रेन का नाम रहता है.
भी एक ड्रॉप आई में या फिर नाक में इंट्रा ओक्युलर और इंट्रानेज। हाँ वो तो मैं बता दी हूँ ना, वैक्सीन फेलियर का अलग से लिख के लो, लेयर का अलग से लिख लो। अभी मैं सिर्फ ब्रॉयलर का बता रही हूँ। हाँ जो पॉक्स है वो ब्रॉयलर में देते ही नहीं है। नहीं मैम एक मिनट, लसोटा, दूसरा के गंबोरो, तीसरा के लसोटा ही देते हैं, लेकिन इसका बूस्टर डोज कुछ बोलते हैं। हाँ बूस्टर बोलते हैं उसको, लसोटा लसोटा बूस्टर बोलते हैं। हाँ लसोटा बूस्टर, आप वैक्सीन को लसोटा।